बिल्कुल पानी पानी है मैथ तो। अच्छा मैथ अच्छा है सर। अच्छा है जी। पहले से बेहतर है? पहले से बहुत बेहतर है सर। कैसा गया पेपर? पेपर बहुत मस्त है। मस्त गया? बहुत ज़्यादा मस्त, मतलब पहले से भी अच्छा गया है। पहले से अच्छा। और पहला पेपर भी दिया था? हाँ पहले भी दिया था, पहले भी अच्छे नंबर थे और आप भी बहुत अच्छे नंबर आने के चांस है। पहले हार्ड था, टाइम टेकिंग था, लेकिन इस बार तो थोड़ा आसान है। नमस्कार, मैं हूँ उस्मान चौधरी और आप देख रहे हैं यूपी तक। आज पुलिस भर्ती परीक्षा हो रही है, पहला दिन है और पहली पाली की परीक्षा अब समाप्त हो गई है। 10 बजे से 12 बजे तक की परीक्षा पहली पाली की थी और यहाँ बच्चे आने लगे हैं। क्या नाम है आपका भाई? जी शुभम चौधरी। शुभम, कहाँ से आए थे आप? जी सहारनपुर। अच्छा, कैसा गया पेपर? पेपर बहुत बढ़िया गया जी। पहले भी दिया था आपने? जी पहले भी दिया। पहले का कैसा रहा और अब कैसा रहा? पहले से आसान है जी पेपर अभी। पहले से आसान है, आपकी उम्मीद है दादा? जी हाँ। मैथ बिल्कुल पानी पानी है मैथ तो। अच्छा मैथ अच्छा है सर। अच्छा है जी। पहले से बेहतर है? पहले से बहुत बेहतर है सर। ठीक है, क्या नाम है भाई आपका? आकाश कुमार। आकाश, कैसा था पेपर? पेपर अच्छा था, इजी टू मॉडरेट था। पहले की बात करूँ तो पहले से मतलब ये तो नहीं कहेंगे, मतलब जीएस काफ़ी हार्ड थी। जीएस काफ़ी हार्ड थी। हमारे साथ और भी बच्चे हैं। मैडम, क्या नाम है आपका? श्वेता। श्वेता, पहले भी पेपर दिया था? हाँ जी। तो पहले और अब में क्या फ़र्क है? पहले हार्ड था, टाइम टेकिंग था, लेकिन इस बार तो थोड़ा आसान लग रहा। आसान पेपर था। तो आप देख सकते हैं कि ये वो छात्र हैं, परीक्षार्थी हैं, जो अंदर से पेपर देकर निकल रहे हैं, क्योंकि आज पुलिस भर्ती परीक्षा का पहला दिन है, क्योंकि पहले जो परीक्षा हुई थी वो कैंसिल हो गई थी और दोबारा से ये परीक्षा कराई जा रही है। और पहली पारी का जो है आज पहले दिन का पहली पारी थी और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम मेरठ का आरजी डिग्री कॉलेज है जहाँ पर हम यहाँ मौजूद हैं और यहाँ पर जो सब ये परीक्षार्थी हैं ये परीक्षा दे कर के आए हैं। भाई, क्या नाम है आपका? क्या नाम है भाई? मेरा विक्की कुमार। विक्की जी, कैसा गया पेपर? पेपर काफ़ी अच्छा है, नॉर्मल ही है, ज़्यादा हार्ड नहीं है वैसे पेपर। अगर तैयारी करी होगी तो नंबर डेफिनेटली। पिछली बार भी तैयारी की थी? पिछली बार भी थी। हाँ सर। हाँ तो कैसा रहा पिछली बार से इस बार? पिछली बार का पेपर थोड़ा ज़्यादा ईजी था आज के अकॉर्डिंग, बस वो लीक हो गया तो उस वजह से। जी सर। उम्मीद है? हाँ काफ़ी है। अच्छा, कोई परेशानी हुई आने में? नहीं नहीं नहीं, कोई परेशानी, मैं सर मेरठ से ही हूँ। आप मेरठ? जी जी। अच्छा, मेरठ वालों का तो यहाँ नहीं पड़ा? नहीं नहीं, मैं रहने वाला मुजफ्फरनगर हूँ, रहता हूँ मेरठ में। अच्छा, मेरठ में। जी जी, प्रॉपर यहाँ से ही आया हूँ, सेंटर यहीं पर। हाँ जी जी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ हम और लोगों से भी बात करेंगे कि आखिर किस तरीके से उन्होंने परीक्षा की तैयारियाँ की और क्या पेपर आया यहाँ पर। भाई, क्या नाम है आपका? जितेंद्र सैनी। जितेंद्र, कहाँ के रहने वाले? मैं सहारनपुर। सहारनपुर से आए हैं। अच्छा, पहले भी दिया था पेपर? हाँ सर, पहले दिया था। तो पहले का मुकाबले इस बार? अब की बार ईजी है पेपर। इस बार ईजी है पेपर। क्या उम्मीद लग रही है? सर ठीक से है, मेहनत कर रखी है। अच्छा, कोई परेशानी तो नहीं है? हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके हो सकता है कि रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि पिछली बार का रिजल्ट तो नहीं आया। जी सर, कोशिश तो है सर, देखते हैं क्या होता है। पेपर कैसा गया? पेपर तो सर अच्छा गया। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपको। हम और लोगों से भी बात करेंगे। भाई, क्या नाम है आपका? नासिम। नासिम, कहाँ से आए? मुरादाबाद। मुरादाबाद से। कैसा गया पेपर? पेपर बहुत मस्त है। मस्त गया? बहुत ज़्यादा मस्त, मतलब पहले से भी अच्छा गया है। पहले से अच्छा। और पहला पेपर भी दिया था? हाँ पहले भी दिया था। पहले भी अच्छे नंबर थे और आप भी बहुत अच्छे नंबर आने के चांस हैं। और मैं जो आने वाले भाई हैं उनसे कहना चाहता हूँ कि रीजनिंग की जो मानसिक अभिरुचि है नहीं, वो बिल्कुल नहीं है, मतलब इस शिफ्ट में तो है नहीं। आने वाले समय में अगर देखने मिली तो मैं कह नहीं सकता इस वाली बात को, मगर इस शिफ्ट में मानसिक अभिरुचि नहीं है। मैथ का जो लेवल पहले था वही लेवल है। जीएस का लेवल थोड़ा मतलब पहले से टफ करा है, मतलब ज़्यादा टफ नहीं है मगर थोड़ा वो टफ करा है। हिंदी का लेवल वही है जो पहले था, मगर जो साहित्य के क्वेश्चन थे वो पहले कम थे और इस बार जो है साहित्य क्वेश्चन मतलब ज़्यादा मिलने हैं, जैसे हमारे साहित्य अकेडमी पुरस्कार हो गए और कुछ रचनाएं वगैरह हो गई, ये हमारे ज़्यादा मिले। पहले से आसान था? पहले से नहीं, लेवल रीजनिंग का आसान है बस पहले से मात्र, और जीएस का बढ़ा दिया, मतलब एक तरीके से पहले के बराबर ही मान सकते हैं हम। जीएस का लेवल बढ़ा है, मैथ का लेवल तो पहले जैसा ही है। और रीजनिंग की जो मानसिक अभिरुचि है वो कम कर दी है ही नहीं बिल्कुल भी, तो रीजनिंग का लेवल हल्का हो गया। तो लगता है कि इस बार बिल्कुल कॉन्फिडेंस बिल्कुल कॉन्फिडेंट। तो ये वो छात्र हैं, ये वो परीक्षार्थी हैं जो यहाँ परीक्षा दे के निकले हैं और बहुत सारे जो परीक्षार्थी हैं उनका कहना है कि इस बार पेपर इजी था। हालांकि बहुत से ऐसे भी मिले जिनका कहना है कि इस बार पेपर जो है थोड़ा हार्ड था। तो अपनी अपनी देखने का नज़रिया है, लेकिन आपके लोगों जो यहाँ परीक्षार्थी आए हैं उनको काफ़ी उम्मीद है कि वो आपके परीक्षा जो हुई है उसमें वो कामयाब होंगे, क्योंकि यहाँ जो इस बार है पिछली बार की बात करूँ तो मेरठ का मेरठ में ही परीक्षा केंद्र बनाया गया था, लेकिन इस बार जो बाहर के ज़िले हैं उनके बच्चों का यहाँ परीक्षा केंद्र बनाया गया है।
क्योंकि मंडल जो मंडल है, मंडल के जो जितने भी परीक्षार्थी हैं उनको दूसरे मंडल में भेजा गया है और जो दूसरे मंडल के परीक्षार्थी हैं उनको यहाँ पर भेजा गया है, यानी कि ज़िलों का अलग अलग किया गया है। और पिछली बार एक ही मेरठ के परीक्षार्थियों का मेरठ में ही सेंटर पड़ा था, और इस बार सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पिछली बार चार पारियों में, दो दिन में चार पारियों में परीक्षा, पालियों में परीक्षा की गई थी, लेकिन इस बार पाँच दिन में 10 पालियों में परीक्षा की जा रही है। उस्मान चौधरी, मेरठ, यूपी तक।